ऐसे मोमेंट है जब हम गाली आपको मजा ही आ गया गाली देते हुए? हाँ, क्या हुआ? ना हाँ. ऐसा हुआ था एक बार हाँ. कि हम लोग ना सब बैठ के पार्टी वगैरह कर रहे थे हाँ. ठीक है हाँ. तो उसमें क्या हुआ कि मेरी एक सीनियर थी हाँ. तो हम लोग बातों बातों में उसने ना एकदम से ना मुझे ऐसे बोल दिया हाँ. कि ना भैंचोर ऐसे करके. क्या बोला? भैंचोर. अच्छा ठीक है हाँ. तो बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया, मैंने कहा तुम सीनियर हो और अगर मैं भैंचोर तो तुम मदरचोर. भाई आपके हिसाब से देहरादून में ज्यादा लड़कियां गाली देती हैं लड़के ज्यादा गाली देते हैं? मेरे हिसाब से माँ की लोरी लड़कियां ज्यादा गाली देती हैं. अच्छा आप नहीं देते? मैं तो नहीं देता. ज्यादा लड़कियां गाली देती हैं लड़के ज्यादा गाली देते हैं? यार लड़कियां जब देती हैं गाली तो शौक सा लग जाता है. अच्छा क्योंकि लड़के तो देते रहते हैं गालियां अमूमन, लड़कियां नोटिस होती है कि हाँ गाली दे रही है. अच्छा आप गाली देते हैं? हाँ बिल्कुल. कौन कौन सी गाली देते हैं? वैसे तो ऐसे तो कुछ नहीं है बट 24 घंटे जो एक तो जबान पे रहती है, एक तो गांडू, दूसरी चूतिया. अच्छा बाकी सब शॉर्ट फॉर्म में. कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म में? बीसी, एमसी, बीएसडीके. अच्छा बस फिलहाल तो ये. अच्छा भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा देहरादून में सबसे ज्यादा लड़कियां गाली देते हैं या लड़के ज्यादा गाली देते हैं? यार देता कोई भी हो लेकिन सबसे ज्यादा टेम्पो वाले विक्रम वाले गालियां देते हैं. हाँ क्यों भाई ऐसा क्यों लगता है? क्या हुआ था ना ये वाली यही की चार खंबे की बात. अच्छा तो दो टेम्पो वाले थे, एक दूसरे को बोले मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, तेरी गांड फाड़ दूंगा. उनके भाई तो गांड फाड़ दो, फाड़ लियो पहले मेरे को छोड़ दो. अच्छा यहाँ की लड़की इतनी भैंचू भैंचू क्यों बोलती है यहाँ पे? यहाँ के लड़कों ने सिखाया ना. आपको कभी गाली पड़ी है घर वाले से? मेरे को तो रोज पड़ रही. हाँ कॉल कर उठता हूँ तब भी गाली, शाम में सो रहा तब भी गाली. बिना गाली के बात ही नहीं करता. कभी ऐसा कोई मोमेंट है घर पे कभी गाली निकल गई हो? अरे भाई फोन आया था तो वहाँ से गाली दे रहा था, पापा सामने बैठे थे, मेरे मुँह से गाली निकलने वाली थी. अच्छा वो मैंने संभाल लिया था. हाँ ऐसा हुआ है, घर वाले गाली देते हैं, बिल्कुल देते हैं. मेरी मम्मी एक बार किटी पार्टी कर रही थी, उसमें एक आंटी एक बड़ी सुंदर से चुन्नी पहन के आई थी. वो कह रही मैं तो देहरादून में पैसे फिक्स खरीद के लाई हूँ. तो एक आंटी कह रही कि चूते बना रही है, पलटन में मिलता है, मैं तो गली लेकर आई थी ऐसी चुन्नी. तो औरतें बहुत गालियाँ देती है वो अलग बात है, अपने हस्बैंड के सामने देती है लेकिन बहुत गालियाँ देती है. अभी घर पे कंट्रोल नहीं रहता ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी हुआ. हाँ पीने के बाद कंट्रोल नहीं रहता. अच्छा ऐसा क्यों भाई? पंजाबी है, खून खोल जाता है फिर और की होता है. अच्छा कौन कौन सी गाली इन्वेंट कर सकते हो आप? भाई इतना सोचना पड़ेगा गाली के लिए. अब मैं इन्वेंट कर ली है. अच्छा इन्वेंट. क्या आपको कभी गाली पड़ी है या आपने दी है कभी गाली? पंडित जी बोलो. हमने दी है. कह लो. अरे मजाक नहीं चलते, बड़ी सीरियस होते हैं. अच्छा अरे बोलो ना. हमने बहुत गाली दी. अच्छा हम बताते हैं गाली कौन कौन सी होती है. अच्छा बताइए. बहन के लोड़ो. अच्छा की चूत. अच्छा हमारी भैंस की आँख. बहन के लोड़े ऐसा बस मारूंगा गांड में लोड़ा भर जाएगा. ऐसी ऐसी गाली देते थे अब हम छोड़ दी. अच्छा छोड़ दी. देहरादून में लड़की देहरादून में लड़कियां ज्यादा गाली देती. कौन की गाली? गाली की छोड़ी है? गाली देने की छोड़ी. गाली देना आजकल में छोड़ दी माहौल को देख के. अच्छा अच्छा गाली देनी चाहिए गलत बात. कौन कौन सी गाली इन्वेंट कर सकते हो आप? गाली जब देता ही नहीं यार तो इन्वेंट कैसे करूँ मैं. हाँ साला कुत्ता कमी है ये सब तो नॉर्मल होती है. कैमरा वाला ये तो ये तो बच्चे भी देते हैं यार. तो क्या भोसड़ी वाला मदर चो सुनना चाहते हो? रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा. नहीं ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा यार. इंटरनेट कुछ नहीं होता. इंटरनेट ही तो सब कुछ है. सारी चीज यही से तो आई है. फील किस में आता है गाली देने का? इंग्लिश में आता है हिंदी में आता है? हिंदी में आता है. सबसे गंदी वाली गाली तो हिंदी में. तो 10 लोगों के सामने अच्छी भी आती है. वो गाली एक ही गाली है चूतिया. चूतिया नहीं है सारे बच्चे गाली आती है. लेकिन वो लड़कियों देते ना ऐसे आप किसके तो दिखाओगे वीडियो नहीं ऐसे ऐसे नहीं. अच्छा उन्होंने